हेलो गाइस, वेलकम टू H2O द ए टू जेड ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड आई होप कि आप ये सब कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है और आपकी पढ़ाई बड़ी मजे से जा रही है। तो आज हम शुरू करेंगे जीओसी पार्ट टू का लेक्चर नंबर 5। जीओसी पार्ट वन में हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। तो इन केस अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको नेमिंग नहीं आती है और आपने वो कोर्स हमारे साथ स्टडी नहीं किया, तो प्लीज डू दैट। आपको एक बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं। अब मूविंग फर्दर, अब इस कोर्स में क्या पढ़ रहे हैं? वेल, ये जो कोर्स है ये डेडिकेटेड है आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, बहुत सारे कंसेप्ट इसके बिना समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके लिए हमने कम्प्लीटली एक कोर्स सेपरेट बना दिया। फाइन, अब इस कोर्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 6 टाइप्स थे। पहला था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। लास्ट टाइप है टॉटोमेरिज्म, जिसकी स्टडी हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था, ठीक है? तो हमने सीखा पिछले लेक्चर में टॉटोमेरिज्म क्या होता है, क्या टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म है, डायड सिस्टम है, ट्राइड सिस्टम है, ट्राइड सिस्टम में आगे वेरियस कितने टाइप्स है टॉटोमेरिज्म की, आपने ये सब सीखा। उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। उसको आगे हम इस लेक्चर में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, राइट? बट उससे पहले और क्या सीखा था हमने पिछले लेक्चर में? हमने सीखा कि अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। उसके बाद क्या हम उसका टॉटोमर ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, राइट? अब आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? वेल, ये होगा टॉटोमेरिज्म पार्ट टू, जिसमें हम सिर्फ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसमें हमने डिस्कस क्या करना है? वेल, उसमें हमने डिस्कस करना है स्टेबिलिटी ऑफ इनोल या रिलेटिव अमाउंट ऑफ इनोल इन द कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है? तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, एक कीटो फॉर्म बन रहा है, एक इनोल फॉर्म बन रहा है। उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर को जल्दी से रीकैप कर लेते हैं, क्योंकि हम टॉटोमेरिज्म को ही एक डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो जो पिछले लेक्चर में सीखा उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आज की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमने सीखी थी टॉटोमेरिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो टॉटोमेरिज्म एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसका मतलब कि जो एटम्स जिस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे वो डिफरेंट होगा, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म है तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है ऐसे दो कंपाउंड्स का जो कि एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो एक तरह का ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मगर ये दो जो आइसोमर्स हैं, इनको हम टॉटोमर्स बोलते हैं, ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? और ये दोनों एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं? बॉन्ड्स की टर्निंग के साथ कन्वर्ट होते हैं। तो दो तरह के हमने सिस्टम पढ़े थे, एक था डायड सिस्टम, एक था ट्राइड सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को स्टडी कर रहे हैं डिटेल में। तो जो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है वो कैसा सिस्टम है? ट्राइड सिस्टम है। उसके अंदर तीन एटम्स होंगे जिसके बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? ये हमारे पास प्रोपियॉन एल्डिहाइड है। प्रोपियॉन एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO एल्डिहाइड है। और एक एल्डिहाइड और दूसरा क्या होने वाला है? दूसरा होने वाला है एक इनॉल, डबल बॉन्डेड एल्कोहल, ठीक है? तो जब हम इसका टॉटोमर ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आई होप आप लोगों को याद है कि हमने कहा था ये ट्राइड सिस्टम है। जो एटम नंबर 3 है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर है। उसका एक डबल बॉन्ड बना हुआ है एटम नंबर 2 के साथ। एटम नंबर 2 कोई भी एटम हो सकता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में, ये एटम होगा कार्बन, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा एटम नंबर 1 आ गया। एटम नंबर 1 क्या है? अब एटम नंबर 1
के पास अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो प्रोपियोन एल्डिहाइड में दो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है उसे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उसके हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन वन पोजिशन से थ्री पोजिशन पे शिफ्ट करेगा, बॉन्ड का टर्न होगा डबल बॉन्ड टू और थ्री के बीच में से घूम के वन और टू के बीच में आ जाएगा। तो टू हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? एक डबल बॉन्ड वाली एल्कोहल। सो हमारे पास क्या बनेगा? प्रोपीन वन ऑल, OH है और डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, प्रोपीन वन ऑल। एक और एग्जाम्पल, हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन के अंदर क्या है हमारे पास? अगेन आप एटम नंबर थ्री, टू और वन दोनों साइड में से टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी एक मूव करेगा वन पोजिशन से थ्री पोजिशन पे, जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो है प्रोपीन टू ऑल। तो ये हमारा कीटो फॉर्म है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, कार्बोनिल ग्रुप कॉमन दोनों में रहेगा कि फंक्शनल ग्रुप है। ऑल राइट, और दूसरी तरफ डबल बॉन्डेड एल्कोहल है। फाइन, तो दिस क्या बन गया? ये बन गया इनोल। सो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है डिस्कशन वो ये है कि ये अब एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि कोई एक ऐसी स्टेज आएगी रिएक्शन के अंदर जहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों जो कॉम्पोनेंट्स होंगे इक्विलिब्रियम पे उनका जो कंसेंट्रेशन होगी वो बराबर होगी, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, और उस पे वो हमें कैसे पता लगता है? वो हमें पता लगता है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से। तो हम अब आगे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को देखते हुए अंडरस्टैंड करते हैं इस रिएक्शंस को। ऑलराइट, सो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड विनाइल एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, और अगर आप इसकी के वैल्यू देखोगे तो वो आएगी 3 × 10⁻¹। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर के की वैल्यू, आई होप आप लोगों को अपने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अच्छे से आता है, अगर के की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उन दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर की है। अगर K की वैल्यू आती है 1 से ज्यादा तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड कर गई और ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है इन कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट। और अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब है कि ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, या आप कह सकते हो कि बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा है। हम यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं? ये वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻¹। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या डोमिनेट कर रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट कर रही है। हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होगा और प्रोडक्ट बहुत कम होगा, जो कि आप यहाँ पे परसेंटेज से भी दे सकते हो। एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे 100% नहीं, नियरली 100% है, 99 point something, ऑलराइट। सो नियरली 100% इज एसिटाल्डिहाइड और विनाइल एल्कोहल दिस इज गोइंग टू बी नियरली 0%, ठीक है। दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं मगर ये इतना ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ये इस फॉर्म में बहुत कम कन्वर्ट होता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारे पास एसीटोन और प्रोपीन वन टू ऑल है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि जो कीटो फॉर्म है दिस इज 99.7%, अगेन इनोलिक फॉर्म ऑब्वियसली 0.3%, तो ना के बराबर है। अगर के की वैल्यू के साथ चेक करोगे दिस इज 6 × 10⁻¹। सो दिस इज ऑल्सो टेलिंग कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा फास्ट होती है, हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा देन द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अब हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर इनोलाइजेशन कन्वर्टिंग द कीटोन इनटू इनोल फॉर बोथ दीज रिएक्शन दिस इज फार फार लेस देन 1, बहुत ज्यादा छोटा है। और इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ इनोल प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इज क्वाइट स्मॉल फॉर सिंपल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सानोन और ये आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम पे जो इसकी परसेंटेज है वो 98% है। अगर आप इसका टॉटोमर ड्रॉ करोगे तो इनोल फॉर्म आएगा, दैट इज साइक्लोहेक्स 1 इन 1 ऑल।
इसका जो परसेंट है दिस इज 1.2% to 2%, तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन आप क्या देख सकते हो कि जो ये वैल्यू ये परसेंटेज है ये हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा फॉर्म ज्यादा प्रोसीड करता है। हमारे पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हमारे पास कीटो फॉर्म की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। और ये क्यों ज्यादा है, जनरली हम ऐसा क्यों देखते हैं कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कीटो फॉर्म ज्यादा है, वो इसलिए है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से। और अगर हमने हमें ये कैसे मालूम लगता है, हमें वो पता लगता है कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू है, दिस इज 364 किलो जूल पर मोल एज कम्पेयर टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू है 254 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या होता है बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू का, बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू का मीनिंग है कि एक मोल ऑफ बॉन्ड्स जब फॉर्म होते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज है वो कितनी है। तो यहाँ पे जब एक मोल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज मच हायर देन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अगर आपको अपने केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है तो आप ये रियलाइज करोगे कि बॉन्डिंग होती क्यों है। बॉन्डिंग इसलिए होती है सो दैट कि द सिस्टम दिस रिड्यूसेस इट्स एनर्जी। और वो एनर्जी रिड्यूस कैसे करेगी, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब है कि वो सिस्टम की जो अपनी एनर्जी बच जाएगी वो कम हो जाएगी तो वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप है दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। कन्वर्सली आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एनर्जी आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए है वो कम होगी इन कंपैरिजन टू द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो कम एनर्जी इसको तोड़ने के लिए चाहिए तो हाँ ये आसानी से टूट के कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है, ये आसानी से टूट के कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में। और कीटो फॉर्म को अगर हम तोड़ के नॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि देखो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। किसी चीज को कम एनर्जी देके अगर हम तोड़ सकते हैं तो वो टूट जाएगा, और जिसको ज्यादा एनर्जी देके तोड़ना पड़ेगा वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो दोनों आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा वो स्ट्रक्चर ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगा इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये आपको समझ में आ गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है डिस्कशन का, कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी सिस्टम होगा एक कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में, उसमें दोनों में से कीटो फॉर्म में से और इनोल फॉर्म में से कौन सा ज्यादा प्रेजेंट होगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमें अब अंडरस्टैंड करना है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कीटो इनोल फॉर्म्स, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले चीफली हम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं। सो पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल फॉर्म। अगर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा तो इनोल की परसेंटेज ज्यादा होगी, अगर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा तो कीटो की परसेंटेज ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल फॉर्म। उसके बाद एक नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा रिलेटिव अमाउंट इन दोनों का, और साथ ही में स्टीरिक हिंड्रेंस। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। चीफली यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल फॉर्म, क्योंकि इसी पे ज्यादा डिपेंड करने वाला है कि कीटो फॉर्म प्रेजेंट है या इनोल फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल फॉर्म। तो हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल फॉर्म मोर विल बी द रिलेटिव अमाउंट इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी। अब इनोल फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, सब चीजों को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखनी है। अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ना शुरू किया है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, बेसिक बेसिक चीजें अभी तो नॉमेनक्लेचर सीखा है, आइसोमेरिज्म सीख रहे हैं कि क्या होता है, बट कैसे ये रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं, क्या रिएक्शन में होता है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है जो कि हम जीओसी पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम वो पढ़ लेंगे तो ये लेक्चर आप ज्यादा अच्छे से समझ भी पाओगे। मेरी बेस्ट अगेन कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बट सिंपल वे में समझा दूं यहाँ पे, सो दैट कि जब वो
वो सब कुछ भी पढ़ने वाले हो जो आगे आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, मगर बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं पढ़ानी है कि वो आपको मुश्किल लगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम बाद के लिए छोड़ते जाएंगे, ऑल राइट। और जब आप वो पढ़ लोगे, आप इस लेक्चर को दोबारा से देखोगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की वो बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइन। सो सबसे पहला जो फैक्टर है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इनवॉल्फॉर्म वो है हायर द नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द इनवॉल्फॉर्म। और ये क्यों होता है? ये होता है एक फिनोमिनन की वजह से जिसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये क्या होता है, इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि अगर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन है उसमें जितने हाइड्रोजन लगे हैं अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो वो एल्कीन को स्टेबल कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास एसेंशियली यहाँ पे हम किस चीज की स्टेबिलिटी की बात करें, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना उसके एडजेसेंट जो कार्बन लगे हैं इसपे जितने हाइड्रोजन लगे, ये अल्फा कार्बन हो गए, इसपे अगर ज्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे तो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, अगर कम लगे होंगे तो ये एल्कीन कम स्टेबल होगी। तो ये एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो इनोल फॉर्म है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और एक OH ग्रुप है, अगर हम एल्कीन को स्टेबल कर देंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अगर वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो, एसिटाल्डिहाइड और विनाइल एल्कोहल का टॉटोमर आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो, आपको आता है कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कीटो फॉर्म है वो नियरली 100% है, विनाइल एल्कोहल नियरली 0% है, और अगर हम इसको कंपेयर करें साथ में एसीटोन के, और एसीटोन का जो हमारे पास इनोल फॉर्म है तो इसमें आप क्या देखते हो कि जो कीटो फॉर्म है दैट इज अगेन समवट नियर टू 100% और जो इनोल फॉर्म है दैट इज 0.0002.5%, ठीक है। तो बहुत कम है। अगर अब मैं आपको दोनों ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बराबर है, क्योंकि ज्यादा आपको मिलेगा कीटो फॉर्म। क्यों ज्यादा कीटो फॉर्म मिलेगा, हमने अभी स्टडी कर लिया है कि ज्यादा हमें वो इसलिए मिलेगा क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज मच मोर स्टेबल देन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ये दो स्ट्रक्चर्स है, राइट, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये इसका इनोल है एसिटाल्डिहाइड का, ये एसीटोन का इनोल फॉर्म है, और मैं आपको पूछ रही हूँ इन दोनों में से इनोल फॉर्म ज्यादा किसका स्टेबल है या ज्यादा रिलेटिव अमाउंट किसका बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट। सो नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन विनाइल एल्कोहल, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट यहाँ पे क्या लगा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ पे कार्बन लगा होगा और उसके साथ ये हाइड्रोजन लगे होंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर आप एसीटोन में देखोगे तो हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया, इसके एडजेसेंट वाला ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इन दोनों में से कौन सा इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, वेल इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म होगा वो होगा एसीटोन का इनोल फॉर्म, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more is going to be the stability of the carbon carbon double bond, and more is going to be the stability of the carbon carbon double bond, more is going to be its relative amount in the equilibrium mixture. abhi bhi ketone form bhi keto form hi sabse zyada hai, bahut zyada hai, magar in dono ko compare karein to acetone ka enol zyada hoga acetaldehyde ke enol form ke comparison, theek hai, ye samajh mein aaya, very good. तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ब्यूटेन टू ऑन या ब्यूटानोन, ठीक है।
अभी इसके अगर आपको टॉटोमर ड्रॉ करने होंगे, ये कीटो फॉर्म है, आपको इसके इनोल फॉर्म ड्रॉ करने होंगे, तो आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हो कि कैसे इनोल फॉर्म ड्रॉ करते हैं, अभी भी हमने उसको रिवाइज किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग लेक्चर को पॉज करो और सबसे पहले इसके इनोल फॉर्म बनाओ। वेल, उसके लिए क्लू क्या है कि ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन है इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप के आसपास जो आप अल्काइल ग्रुप देख रहे हो वो डिफरेंट है। तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के इनोल फॉर्म बनेंगे और आप उनको पहले बनाइए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। सो अगर अब आपने ये कर लिया है तो जल्दी से देखते हैं कि कौन से दो इनोल बनते हैं। सबसे पहले एक ये स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि यहाँ से हम ऑक्सीजन पे 1-3 हाइड्रोजन का शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। जब शिफ्ट करोगे बॉन्ड यहाँ पे टर्न करेगा तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। और दूसरी तरफ ये वाला कार्बन, ये भी अगेन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन है तो यहाँ से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो सकता है, तो डबल बॉन्ड इधर को टर्न कर जाएगा, ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है हमें कि इन दोनों इनोल फॉर्म में से ज्यादा कौन सा परसेंटेज में प्रेजेंट होगा। अगर हम कीटो और इनोल फॉर्म की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे कीटो फॉर्म ही ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से स्टेबल है, तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। बट हमारे पास अब यहाँ पे दो इनोल बन रहे हैं, इन दोनों में से ज्यादा अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा ज्यादा बनेगा, तो हम क्या करेंगे, हम अगेन क्या देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो हमने देखे कि यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन है तो दो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए जो स्ट्रक्चर टू होगा उसका जो अमाउंट होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वो स्ट्रक्चर वन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या बोल रहे हैं हम, ऑलराइट। अब यहाँ पे एक और टर्म अंडरस्टैंड कर लो जो कि आप आगे फर्दर जीओसी में भी स्टडी करोगे, वो ये है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। दूसरे वे में मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एक जो एल्कीन है ये एक ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो जितनी ज्यादा एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होगी उतनी वो ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों स्टेबल होगी वो अलग कारण है, वो उसको हम आगे जीओसी पार्ट 3 में ही स्टडी करेंगे। बट ये दो टर्म्स हैं, एक है कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है या दूसरा है कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो एल्कीन के अंदर वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये सब चीजें हम दोबारा से आगे रिपीट करेंगे, कुछ अभी समझ में आ जाएगा, कुछ और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे, कारण समझेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इथीन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सारे के सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो अब ये सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन कर दूं, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, इथाइल भी लगा सकती हूँ पर मुझे तो अल्फा ही गिनने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक और CH3 लगा दिया, अब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, राइट। अगर मैं यहाँ पे भी एक CH3 ग्रुप लगा दूं और सब्स्टिट्यूशन होगी, हाइड्रोजन रिमूव कर करके मैं अल्काइल ग्रुप लगाती जा रही हूँ और अल्काइल ग्रुप लगाते ही क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं एक लगा दूं तो क्या होगा, भी यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता जा रहा है, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, इस एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, उस फिनोमेनन का नाम हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसे हम अभी आगे के लिए छोड़ देंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड द एल्कीन इज और मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर स्टेबल इज द इनोल फॉर्म, ठीक है। ये समझ में अब आपके अच्छे से आ गया, गुड। तो आप इसको आइडेंटिफाई भी कर लोगे, वेरी गुड।
अब आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया कंसेप्ट, तो एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसके बेसिस पे। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सानोन और दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। आप इन दोनों के इनोल फॉर्म्स ड्रॉ करिए और मुझे बताइए कि किसकी इनोल ज्यादा स्टेबल होगी, किसकी इनोल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, पहले अगर आपने अब ये कर लिया है तो हम उसको डिस्कस करें। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सानोन का हमने इनोल फॉर्म ड्रॉ किया। इनोल फॉर्म अब कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं नहीं डिस्कस करूंगी, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया, अभी भी रिवाइज करा दिया, राइट? तो आई विल नॉट डू दैट अगेन। तो अब हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन। इन दोनों कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, ये वाला दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये वाला भी दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो बाकी के दो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन का अब आप प्रोटोमर ड्रॉ करो। तो आपने जब प्रोटोमर ड्रॉ करोगे तब आप ये देख सकते हो कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके एडजेसेंट यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सिमिलर पोजिशन नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो तरह की इनोल्स बन सकती है। अगर आपने यहाँ से इस पोजीशन से हाइड्रोजन का शिफ्ट किया तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 5-मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-ईन 1-ऑल। इसके अंदर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो, एक मिनट बाद में करते हैं, पहले दूसरा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लें, राइट? तो दूसरी तरफ अब ये वाला भी कार्बन जो है यहाँ पे 3 वैलेंसीज है, कार्बन की सेटिस्फाई हुए, एक हाइड्रोजन अभी भी है जो कि हम इस पोजीशन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अब दोनों में अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक प्रेजेंट है, तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में स्ट्रक्चर में देखो तो ये वाला कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, तो ये भी कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है और ये वाला भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे दो और यहाँ पे कितने हैं, 3, टोटल मिला के 7 अल्फा हाइड्रोजन, राइट? तो अब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा ज्यादा इनोल स्टेबल होगा फॉर 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, ये वाला, तो ये ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, ये नहीं होगा। वैसे ही एज इट इज हमें मालूम है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनोल फॉर्म हार्डली प्रेजेंट है। अब उस हार्डली में से भी ज्यादा अगर ये प्रेजेंट है तो ये तो आप कह सकते हो प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 is going to be more than 2, राइट? और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 is going to be more than 1 also, ठीक है? तो 3 का इनॉल कंटेंट 2 के इनॉल कंटेंट से ज्यादा और 3 का इनॉल का कंटेंट 1 के इनॉल के कंटेंट से भी ज्यादा, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसके भी आपको पूछा जा सकता है और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के इनॉल फॉर्म्स को भी कंपेयर करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। हमें अब दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि ये एक ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है और ये एक कम सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं जो कि इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और वो है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले तो इंट्रा मॉलिकुलर मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है और उससे कैसे स्टेबिलिटी इनोल फॉर्म की इंक्रीज होगी वो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अभी तक हमने सिर्फ 1 कार्बोनिल ग्रुप वाले स्ट्रक्चर पढ़े, अब ये 2 कार्बोनिल वाला स्ट्रक्चर आ गया और दोनों एडजेसेंट पोजिशन में प्रेजेंट है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक 1,2-डाई कीटोन। ठीक है, 1 पोजिशन पे और 2 पोजिशन पे, एडजेसेंट पोजिशन पे कीटोन प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, सो वी विल बी कॉलिंग दिस एज अ 1,2-डाई कीटोन। ऑलराइट, अब इसका जब आप टॉटोमर ड्रॉ करोगे तो आप कैसा टॉटोमर ड्रॉ करोगे, हमने इसे एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया जहाँ पे हमने एक में हाइड्रोजन का शिफ्ट कर दिया एडजेसेंट अल्फा कार्बन से और दूसरे में कोई भी शिफ्ट नहीं किया, तो एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन ऑफ द ओ एच ग्रुप है
ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ ही में एडजेसेंट एक और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो अब ये मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप सबको मालूम है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके कंपैरिजन में वीक होता है, बट अदरवाइज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इनोल फॉर्म में एडिशनल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और एडिशनल बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका जो परसेंटेज होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वो ज्यादा होगा। समझ में आ गया? अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास ये भी अभी एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके एडजेसेंट भी हमारे पास क्या है, एक अल्फा कार्बन है, राइट? तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इधर से भी तो अभी हम एक और तरह का इनोड फॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप यूज किए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला बनेगा। सिर्फ मैंने इनको पोजिशन को ऐसे शो किया है सो दैट कि आप इसको देख सको। तो अब यहाँ पे दो OH ग्रुप लगे और दो डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इसको करेगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो इसका मतलब क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो गई सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में, तो उसका जो इनोल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? इनफैक्ट इस केस में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कीटो फॉर्म है यहाँ पे 0% है और ये जो इनोल फॉर्म है वो 100% है। वो क्यों है? वो इसलिए है, वो इनोल फॉर्म की वजह से नहीं है। इनोल्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे डबल भी है, मगर इससे ऐसा नहीं हो सकता कि ये 100% हो जाए। वो 100% क्यों है? वो 100% इसलिए क्योंकि ये जो कीटो फॉर्म है ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। ये क्यों अनस्टेबल है? तो आप ये देखो कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या क्रिएट हो गया? एक डायपोल क्रिएट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डायपोल क्रिएट हो गया। अब ये जो दो डायपोल्स हैं एडजेसेंट पोजिशन पे, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, राइट? ये रिपेल करते हैं, इसलिए ये जो कीटो फॉर्म है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हमारे पास इनोल फॉर्म की परसेंटेज बढ़कर क्या हो जाती है? 100%। अभी तक हमने हमेशा क्या देखा था कि कीटो फॉर्म ही था जो स्टेबल था। अब हम क्या देख रहे हैं कि इनोल फॉर्म भी स्टेबल हो गया। उसकी वजह इनोल फॉर्म खुद नहीं है, मगर यहाँ पे कीटो फॉर्म है, ठीक है। मगर अगर हम जनरल बात करें तो ये है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसको हम एक और स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपको दिया है साइक्लोहेक्सानोन और ये स्ट्रक्चर, और आपको पूछा है कि इन दोनों में से बताओ किसकी इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होगी या किसकी इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो साइक्लोहेक्सानोन की केस के अंदर आपके पास जो इनोल फॉर्म बनेगी वो बनेगी ये। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो आप गिन सकते हो, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट? तो इस केस में आप क्या कहोगे? इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है, ये ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक और एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है, हमने ऑर्थो पोजिशन की जगह पे इन कार्बोनिल ग्रुप्स को पैरा पोजिशन पे ले लिया। ये स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। ये टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं शो करता? ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है टॉटोमेरिज्म के लिए। हमारे पास ये एटम नंबर 3 है, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 1 है, ठीक है। एटम नंबर 1 के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर भी सकता है। यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होगा? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये हमारा OH बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जहाँ पे भी आपके पास दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएंगे वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, और रिंग के अंदर तो वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। रिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल क्यों हो जाता है, ये आप आपको
थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, बहुत डिटेल नहीं बता पाऊंगी, हम इसको डिटेल में आगे जीओसी पार्ट थ्री में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप अंडरस्टैंड ये करो कि ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन का हर एंगल कितना होता है, 72 डिग्री होता है, राइट। अब हमारे पास जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इनोल फॉर्म ड्रॉ किया, तो ये डबल बॉन्ड आया। ये वाले कार्बन की क्या हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? ये दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में हमने स्टडी किया था बॉन्डिंग के अंदर कि दो बॉन्ड्स हैं, दोनों की मिनिमम रिपल्शन हो, सो कैसे वो प्रेजेंट होने चाहिए, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर, और वो इतना ज्यादा होता है कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन होगा, ये होगा sp2 कार्बन, ठीक है, और ये वाला कार्बन होगा sp3 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, 109 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, 109 डिग्री 28 मिनट्स, और sp2 के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसका आंसर, ये 72 डिग्री के पास में है, ये बहुत पास में नहीं है बट फिर भी पास में है, ठीक है। स्ट्रेन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, मगर फिर भी ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे 72 और 180 डिग्री बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो स्ट्रक्चर इतना अनस्टेबल हो जाता है कि बनते ही टूट जाएगा, और इसलिए हमके पास वो स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे भी आपके पास एक sp2 कार्बन हो, राइट, वो क्या फॉर्म करेगा, वो एडजेसेंट डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा टॉटोमेरिज्म में, और वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया, एग्जांपल और करेंगे तभी से कंसेप्ट हमारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनफैक्ट मेरी ज्यादा डिस्कशन इस एक एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड होने वाली है, बहुत सारी चीजें हम स्ट्रक्चर के ऊपर सीखने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक 1,3 डाइकेटोन है, 1,3 डाइकेटोन का मतलब अभी पीछे हमने 1,2 डाइकेटोन देखा था, जहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट पोजिशन पे। अगर ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप नंबर 1 है तो एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन पे 1,3 डाइकेटोन। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये 5 कार्बन वाला कीटोन है, तो ये बन जाएगा पेंटेन 2,4 डाइकोन, पेंटेन 2,4 डाइकोन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के आपको इनोल फॉर्म ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये कार्बन इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है, इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए भी ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, सबके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बहुत सारे इनोल्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ट्राई मेकिंग देम। हिंट ये है कि इसके 5 पॉसिबल इनोल्स बन सकते हैं, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सो वेल, अगर आपने कर लिया है तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इन कार्बन को नंबर कर देती हूँ, सो दैट जब हम डिस्कस करें तो हमें अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं हो, ठीक है। तो ये 1,2,3,4,5 कार्बन है, ऑलराइट। अब सबसे पहले हमारे पास ये एक अल्फा है, ठीक है, इसमें से हम यहाँ पे हाइड्रोजन का शिफ्ट करा सकते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके साथ एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब हम क्या ड्रॉ सकते हैं, हम ये वाला कार्बन ले सकते हैं इस कार्बन की जगह पे, कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करेगा, तो जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो बनेगा ये। अब इसके अंदर अल्फा कौन सा कार्बन है, ये वाला,
ये भी है मगर इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर में जो एक्स्ट्रा चीज देख सकते हो वो ये है कि कीटो फॉर्म पे मैंने लिखा हुआ है 24% और यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर टू के नीचे लिखा है 76%। इसका मीनिंग ये है कि जब हम इसके इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी देखेंगे तो पांच इनोल बन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनने वाला है। इनफैक्ट ये कीटो फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल बनने वाला है। हमने अभी तक जनरली क्या देखा है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया। 76% ये बन रहा है, ये सिर्फ 24% बन रहा है। इन पांचों में से भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, यही फॉर्म मिलेगा हमें इसके जनरली, और ये वाले से कीटो फॉर्म से भी ये ज्यादा स्टेबल है। मगर ये क्यों स्टेबल है, क्या सब कुछ है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले बाकी की तीन इनोल्स भी ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो अगली इनोल अब आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, वेल हमारे पास ये वन पोजिशन थ्री पोजिशन हमने देख ली। अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो ये वन पोजिशन हो जाएगी, आप यहाँ से इधर भेजोगे तो ये वन पोजिशन हो जाएगी, ठीक है, तो इससे सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अब हम क्या करें कि हमने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे है। इसका मतलब है ये इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए अभी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम इसको यहाँ पे भेज सकते हैं। जब भेजोगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, तीन इधर सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब और क्या हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अब हमने क्या किया, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं बना के इधर का अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्ट कराया, ठीक है। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बनेंगे अल्फा, यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो ये है, यहाँ पे हमने ये नंबर वन पोजिशन से हाइड्रोजन का शिफ्ट कराया और नंबर फाइव पोजिशन से हाइड्रोजन का शिफ्ट कराया, तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर फाइव। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना रह जाएगा, सिर्फ टू अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर नंबर थ्री पे, मगर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मैंने आपको अभी बताया कि इनोल कंटेंट सेकेंड वाला जो है वो सबसे ज्यादा है, 76% होगा, कीटो फॉर्म से भी ज्यादा होगा। सो क्यों, तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं क्यों। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर नंबर थ्री है सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके पास है, तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इसके पास है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे दो कंसेकेटिव डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी परसेंटेज इरिस्पेक्टिव कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा भी प्रेजेंट है मगर ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा और ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं, ये जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास कीटो फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनता है तो, ठीक है। अब बाकी के डिस्कशन रह जाते हैं इन चारों स्ट्रक्चर्स की। अब इन चारों में से सबसे पहले मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये है कि स्ट्रक्चर नंबर टू की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, ठीक है, उसके बाद हम 1, 3, 5 बाकी सब स्ट्रक्चर्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है स्ट्रक्चर नंबर टू, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक OH ग्रुप है एडजेसेंट टू अ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, राइट। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनके अंदर हाइड्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और अगर इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो वो स्टेबिलिटी देगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हुआ। अब मैं इसको एक अलग तरीके से सिर्फ ड्रॉ करने वाली हूँ, और वो तरीका क्या है, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर ये वाले CH के नेक्स्ट क्या है, कार्बन विद मिथाइल ग्रुप, और इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, और ये वाले कार्बन के ऊपर OH था, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन। अब अगर आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कितने पास पास में आ गए, ठीक है, पास पास में आ गए, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया और ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। और इसमें रिंग में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक दो तीन
चार पांच छह, तो जहां पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पांच या सिक्स मेंबर की रिंग बन जाए तो वो जो रिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इसलिए इस स्ट्रक्चर का जो इनोल फॉर्म है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये 76% प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू द कीटो फॉर्म जो कि 24% प्रेजेंट है। इसका एक रीजन और भी है, अभी उसको भी डिस्कस करते हैं, बट पहले आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि 5 to 6 मेंबर रिंग बना दे वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। इनफैक्ट कीटो फॉर्म से भी ज्यादा इनोल फॉर्म स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो इनोल फॉर्म यहाँ पे कितना है, 76% सॉरी, और कीटो फॉर्म 24%। अब वापस हम चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि ये जो स्ट्रक्चर नंबर टू है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर आप इसके साथ नंबर वन को कंपेयर करोगे तो इसके अंदर भी आप कह सकते हो कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, बिल्कुल ऐसे ही तो पोजीशन है इनकी, राइट। और अगर आप नंबर फोर और नंबर फाइव भी देखोगे तो यहाँ पे भी दो OH ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर है, तो इसका भी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अब हमें ये क्या है ऐसा स्ट्रक्चर के अंदर जो कि इसको इन सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है, ठीक है। तो ये अभी हमें अंडरस्टैंड करना बाकी है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक और फैक्टर को स्टडी करना है जो कि इनोड फॉर्म की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो पहले हम वो फैक्टर पढ़ेंगे और फिर वापस हम स्ट्रक्चर की डिस्कशन पे आएंगे, ठीक है। मगर क्या है, आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो इनोल कंटेंट है सेकेंड का मैक्सिमम है, राइट। तो इसको मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगी। सो द नेक्स्ट रीजन है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल फॉर्म वो है कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, वेल कॉन्जुगेशन होता है जहाँ पे हमारे पास ऐसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, तो ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट कर रहे हैं। और एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर हमारे पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो ये ऑक्सीजन के पास जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये जो लोन पेयर है वो ऑल्टरनेट कर रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड आगे ऑल्टरनेट कर रहा है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड, आगे ऐसे चेन कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। जितनी ये लंबी ज्यादा चेन होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों होगी अगेन मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। हम इसको फिर जीओसी पार्ट थ्री में ही डिस्कस करेंगे, अभी तक मैंने वो लेक्चर्स अपलोड नहीं किए हैं, अब जब अपलोड कर दूंगी तो उनके लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगी। बट अगर आप हमें कम्प्लीटली डिस्कशन में सारे के सारे लेक्चर्स देखते हुए हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, तो वेल बेस्ट इज कि जैसे जैसे हम आपको ये लेक्चर्स अपलोड करें उसी सीक्वेंस में आप इनको देखिए, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा होगी। इनकेस आप सिर्फ इस कंटेंट को देख रहे हैं एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वेल या तो आपको ये ऑलरेडी आता होगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो ये सब फिनोमिनन आपको आते हैं। इन केस अगर आपको वो नहीं आते हैं तो जैसे ही हम उनको अपलोड करेंगे तो हम उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सो यू कैन चेक देम आल्सो, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉन्जुगेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो आप मेरे साथ ये मान सकते हैं कि ये इंक्रीज करता है। यहाँ पे हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, कहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है। अगर हमने इतना सीख लिया तो बहुत अच्छा है, ज्यादा चीजें सीखेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कम चीजें सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, सो दैट कि हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए, राइट। तो कॉन्जुगेशन में ऑल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड या लोन पेयर प्रेजेंट हो गए और वो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल आप अब ये स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कीटो फॉर्म है। अब ये अगेन एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों साइड पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो अगर अब ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो इसका मतलब है कि इसके लिए अगेन दो इनोल्स बनेंगी, जल्दी से ड्रॉ कर दो और फिर मेरे साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। तो पहला जो इनोल बनेगा वो ये वाला है,
जहां पे हमने इस कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्ट किया, और दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये वाला है जहां पे हमने इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट किया। तो इस तरीके से ये दोनों स्ट्रक्चर बनेंगे। अब सबसे पहले हमने सीखा था कि अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे CH2, ठीक है। तो दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है, बट ये जो कार्बन है ये चार बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास पहले स्ट्रक्चर में 2 अल्फा हाइड्रोजन और तीसरे स्ट्रक्चर में 3 अल्फा हाइड्रोजन, मगर ये दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास 2 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। कैसे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो हमारे पास सबसे पहले ये ओ है, तो इसके पास एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ तक एटलीस्ट आपकी कॉन्जुगेशन चल गई, राइट। तो ऑल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर से इतना सारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। तो इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाता है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में अल्फा हाइड्रोजन भी इसी स्ट्रक्चर के पास ज्यादा है, मगर ये इससे बहुत ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन को देखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट होगी तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम इसको कैसे देखना शुरू करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से नहीं देखना शुरू करेंगे, हम देख रहे हैं कि उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और फिर अगर वो भी कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो फिर हम अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को बताते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, परफेक्टली फाइन, वेरी गुड। सो अगर आपको ये समझ में आ गया, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कॉन्जुगेशन कहाँ पे प्रेजेंट होगी कहाँ पे नहीं होगी, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है। अगेन स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, तीन कीटो फॉर्म्स हैं। इन तीनों कीटो फॉर्म्स के आपको इनोल फॉर्म्स ड्रॉ करने हैं और मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा। इनफैक्ट इन तीनों को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म में अरेंज करो, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए इस लेक्चर को पॉज करके और फिर उसके बाद ही इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अब अगर आपने कर लिया है तो जल्दी से देखते हैं। तो इनोल फॉर्म आई होप आप सब बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 का, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 का, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 का, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप गलत है भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं अब इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखनी है। तो सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन ही देखेंगे कि कहीं पे प्रेजेंट है। अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, या आप कह सकते हो कि ये लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर भी एक कॉन्जुगेशन बन रहा है, और अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये भी एक सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेशन बन रहा है, इसके कंपेरिजन में इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम ये वाला देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये तो बहुत सारी कॉन्जुगेशन हो गई, ठीक है। इतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होने की वजह से अब ये जो डबल बॉन्ड है, जो कि हमारे टॉटोमर का डबल बॉन्ड था, वो ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो रिंग के साथ ऑल्टरनेट होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नंबर 1 के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इनोल फॉर्म होगा 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाले कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट। तो आप अदरवाइज अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो ये सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, बट अदरवाइज ये सबसे
ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे कि इन पांचों स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये सेकेंड वाला क्यों था। ठीक है, तो अब थ्री वाला हम पहले कैंसल आउट कर चुके हैं कि ये तो नहीं था, राइट। अब सेकेंड वाले में हमने कहा कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, मगर वो वन में भी प्रेजेंट है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो इन दोनों में आप कॉन्जुगेशन को कंपेयर करो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे एक लोन पेयर, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन आ गई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे एक लोन पेयर, एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इधर जाओगे तो बस इतनी सी कॉन्जुगेशन, इधर है ही नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो रिंग सिस्टम था उसके अंदर तो कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे तो हमारे रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन आ रही है बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्टेबल। इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, बहुत सारी कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अब अगर आप फोर और फाइव में देखोगे तो फोर और फाइव में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अगेन वो प्रेजेंट है, मगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये आउट ऑफ द रिंग है, राइट। यहाँ पे आउट ऑफ द रिंग है, यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड आउट ऑफ द रिंग है। ऐसे केस में क्या होता है, सपोजिटली आपके पास ये एक रिंग है, राइट, इस रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस तरीके से, ओके हम ये मान लेते हैं। और दूसरे केस में जो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो इस तरीके से मान लेते हैं प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपकी एल्कीन, ऑलराइट। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, आपको एक चेन है उसको तोड़ना है, उसको कैसे तोड़ेंगे, हम उसको ट्विस्ट टर्न करके तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर जो रिंग में प्रेजेंट है उसको ट्विस्ट और टर्न करके तोड़ना आपको बहुत मुश्किल होगा। इन कंपैरिजन अगर मैं इसको यहाँ पे ट्विस्ट और टर्न करूँ तो ये डबल बॉन्ड वाला जो साइड चेन प्रेजेंट है बड़ी आसानी से टूट सकता है, ये भी आसानी से टूट सकता है। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज्यादा अनस्टेबल है। समझ में आया आपको, ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ग्रॉसली बड़ी सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है इस स्ट्रक्चर में, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं। ठीक है, हम इसको तोड़ सकते हैं, इसलिए हम क्या देखते हैं कि सारे स्ट्रक्चर्स में से जो इनोल कंटेंट है वो स्ट्रक्चर नंबर टू का ज्यादा है, वो कीटो से भी ज्यादा है। बहुत अच्छे से समझ में अब आपको आ गया कि आपको कैसे इसके अंदर देखना है, 76% ये बन रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि बाकी सब बनेंगे ही नहीं, तो हमारे पास दो टॉप स्ट्रक्चर्स है, एक कीटो फॉर्म है एक इनोल फॉर्म है, बाकी सब नहीं बनेंगे या ना के बराबर बनेंगे। ठीक है, यही दोनों हमारे पास होंगे, ये इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल वाली ये बनेगी और कीटो फॉर्म हमारे पास ये है, ये 24%, ये 76%। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट, अब हमारे पास जो फैक्टर है जो कि इनोल फॉर्म को ज्यादा स्टेबल बनाता है, इनफैक्ट इतना ज्यादा स्टेबल बनाता है कि इनोल फॉर्म का कंटेंट ही ऑलमोस्ट 100% हो जाए, उस फिनोमिनन को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिक कंपाउंड होना, आपने कहाँ पे पढ़ा है, आपने नॉमेनक्लेचर में स्टडी किया था कि जो बेंजीन रिंग होती है वो क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स एंड नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, साइक्लिक। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि दो तरह की साइक्लिक रिंग्स होती हैं, एक होती है एलिसाइक्लिक जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के जैसे होती हैं, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक रिंग्स जो कि एलिफैटिक कंपाउंड से बहुत डिफरेंट होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो बेंजीन है इसको हमने जो एरोमेटिक कहा, एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशंस होती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि बेंजीन है, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि इसको एक प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा, ये आप भी नहीं समझ पाओगे तो ये बस आप मान लो कि जो बेंजीन है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है इसके सारे जो एटम्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि ये जो सिस्टम है ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप बेंजीन में देख भी सकते हो कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है। नेक्स्ट कंडीशन है कि इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। इसको अगेन हमने आगे जीओसी पार्ट 3 में डिटेल में करना है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रही हूँ। ठीक है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर अगर हमारे पास हो, अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास तीन पाई बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, दो इलेक्ट्रॉन से। अगर हमारे पास तीन पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब दो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। अब अगर आप इस यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो आपके पास ये कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4+2 6। इसका मतलब है कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 4n+2। इससे नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी होगी, अगर आप n को 2 कर दें, n को अगर आप 2 करोगे 4 into 2 will be 8, 8+2 is 10। तो 6 के बाद आप 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो, साइक्लिक सिस्टम हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो और 10 इलेक्ट्रॉन हो उसके पास पाए, तो वो भी सिस्टम क्या होगा, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल, इतने ज्यादा स्टेबल कि इनसे ज्यादा स्टेबल कोई स्ट्रक्चर ही नहीं। और वो क्यों स्टेबल है, वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एक फिनोमिनन आ जाता है जो कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, वो है रेजोनेंस। अब हम उसको भी अगेन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों की डिस्कशन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। मगर उसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर हमारे कीटो फॉर्म से जब हम इनोल फॉर्म बनाए और वो जो इनोल है वो एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और वो नियरली 100% हो जाएगा और कीटो फॉर्म नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास ये वाला कीटो फॉर्म था, ये क्या था, 1,2-डाइकीटोन। ठीक है, अब होप आप लोगों को याद है, ये हमने ड्रॉ किया था, इसका हमने इनोल फॉर्म भी ड्रॉ किया था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ब्रेंडिंग प्रेजेंट है। दूसरा इसके लिए हमने कौन सा इनोल ड्रॉ किया था, दूसरा इनोल हमने ये वाला ड्रॉ किया था। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए थे। अब अगर इनकी कंपैरिजन में मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर दूं जहाँ पे हमारे पास कीटो फॉर्म में 3 कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है ऑल्टरनेट पोजीशंस में, राइट, तो जब आप इसका इनोल फॉर्म ड्रॉ करोगे तो काफी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहला आपने सिर्फ ये वाले को रिप्लेस किया, फिर ये वाले को रिप्लेस किया और तीनों को रिप्लेस किया। मैं वो तीनों को रिप्लेस किया वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा स्ट्रक्चर, राइट। इसके अंदर अब आप क्या देख रहे हो कि ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है कितना है, पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगेन 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल भी ये सेटिस्फाई करेगा, ये साइक्लिक भी है और ये जो स्ट्रक्चर है वो आप मेरी तरफ से मान लीजिए कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये कैसी एक इनोल बन जाएगी, ये एक एरोमेटिक इनोल बन जाएगी, एरोमेटिक इनोल बन जाएगी, जबकि बाकी के ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, साथ में कॉन्जुगेशन भी थोड़ी सी प्रेजेंट है, राइट। तो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो कुछ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये इससे ज्यादा स्टेबल। इसको हमने पीछे पहले डिस्कस कर भी लिया कि इनोल फॉर्म यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के लिए 100% है, कीटो फॉर्म ज्यादा अनस्टेबल है इसलिए कम मिलता है। ठीक है, मगर यहाँ पे अब ये मैं कहती हूँ कि ये वाला जो इनोल है दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 100%। वो ऑलमोस्ट अब 100% क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है और साथ में ये जो स्ट्रक्चर है
ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि ये कैसे एरोमेटिक है। और ये इसकी वजह से अब आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई स्ट्रक्चर एरोमेटिक बन जाए तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इनफैक्ट उसकी इनोल हमें नियरली 100% मिलेगी और कीटो फॉर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक चीज और जो मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहती हूँ वो है कि सपोजिटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप जब इसका इनोल फॉर्म ड्रॉ करोगे तो आप उसको दो इनोल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब दो इनोड ड्रॉ करोगे तो पहला, अगर आपके पास ये कार्बन है, इस ये कार्बन कैसा कार्बन है, ये एक sp2 कार्बन है, ये एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे उसमें एडजेसेंट डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और एडजेसेंट डबल बॉन्ड रिंग में आ जाएगा तो वो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होगा, वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप दूसरी साइड के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का शिफ्ट कराओ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे OH बनेगा और यहाँ पे ये बनेगा एक और डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इसका कीटो फॉर्म, ये इसका इनोल फॉर्म। अब इसके अंदर ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, ये पाई बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल सिग्मा बॉन्ड, राइट, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है। अब यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो इसका मतलब है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब अगर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो और उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो था एरोमेटिक, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका कीटो फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगा, इसका इनोल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। आई होप अब आपको ये भी याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको अभी हम क्लीन कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर अगर होगा तो इनोड फॉर्म की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। अगर हमने एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास उस केस में सिर्फ एक कीटो फॉर्म ही होगा। अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक के इनोड फॉर्म का कीटो फॉर्म थोड़ा बहुत होता है, नेग्लिजिबल होता है बट थोड़ा होता है, सपोजिटली ये 99.8% है, ये 0.2% है। मगर अगर आपके पास एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बन रहा है तो वो कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा, वो 0% होगा, सारा का सारा 100% कीटो फॉर्म होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हमारे पास जो फैक्टर अफेक्ट करेगा इनोल कंटेंट के अमाउंट को वो है स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल क्या है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जिस टाइम पे हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो लॉकडाउन में क्या है कि लोग बहुत ज्यादा बाहर नहीं है, दिस इज लॉकडाउन 4.0 जहाँ पे कुछ दुकानें खुलती हैं और ज्यादातर बंद रहती है, ठीक है। उस ऐसी कंडीशन में मुझे बहुत एक जरूरी काम पड़ा और मैं मार्केट गई, ठीक है। मार्केट जब मैं गई तो ऑलमोस्ट सब शॉप्स भी बंद थी, कुछ खुली थी और जो मार्केट थी वो भी खाली थी, सड़कें बिल्कुल खाली थी, ज्यादा कुछ लोग थे नहीं वहां पे। तो वहां पे मेरे सामने से मेरे एक फ्रेंड निकले, और जब मेरे वो फ्रेंड निकले तो ऑब्वियसली क्योंकि सड़क खाली थी तो मैं उनको बड़ी आसानी से नोटिस कर पाई।
दूर से एक दूसरे को हाय हेलो बोला, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, तो हम लोगों ने ज्यादा आपस में बात नहीं की, दूर दूर से ही हाय हेलो किया, बट हम लोग एक दूसरे को मिले, राइट। अब जब ये कंडीशन पहले कोविड नहीं था, उससे पहले या जब ये खत्म हो जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, फिर से भीड़ हो जाएगी, बहुत सारे लोग होंगे, सब दुकानें खुली होंगी। ऐसी कंडीशन में आप इमेजिन करो, मैं मार्केट में जाऊं और मेरा वो जो फ्रेंड है वो अगेन मार्केट में आए, वो भी शॉपिंग करने आए हैं, मैं भी आई हूँ, बट अब क्या होगा कि वहां पे लोग भरे हुए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं अपने फ्रेंड को ना देख पाऊं, वो भी मार्केट से गुजर जाए, मैं भी गुजरता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को मिले ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा फिनोमिनन जहाँ पे होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। उसको हम अब स्टीरिक हिंड्रेंस से कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अगेन ये क्या है, पेंटेन 1,4-diol। मैं ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा रिपीट कर रही हूँ सो दैट कि आपको एक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है, हम उसी में और कंसेप्ट को लर्न करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो सबसे पांचों में से स्टेबल इनोल फॉर्म ड्रॉ किया था, अब मैंने वो ड्रॉ कर दिया, ये वाला कितना था, ये 76% था, ये वाला कितना था, 24% था, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं, इसका पहले तो हम क्या करते हैं, इसका जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो ड्रॉ करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है 91-93% इन द गैस फेज, जो 76% वाला है वो प्रेजेंट होता है लिक्विड फेज के अंदर, और लिक्विड फेज में भी जहाँ पे वो एक पोलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कि सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करेगा इनोल कंटेंट को, मगर उससे पहले पहुंचने से पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो टॉटोमेरिज्म का फिनोमिनन है ये या तो गैशियस फेज में होगा या लिक्विड फेज में होगा, कभी भी सॉलिड फेज में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ये कहाँ पे है, गैशियस फेज में है, ठीक है, ये वाला इनोल गैशियस फेज में। ऑलराइट, हम गैशियस फेज में क्या देख रहे हैं कि ये 91-93% प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे करने क्या लगे हैं, हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में एक चेंज करने वाले हैं। चेंज क्या करेंगे, इस यहां से हाइड्रोजन का शिफ्ट होना है, ठीक है। अब मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ एक मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे जब एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो मैंने अभी आपको इस टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म नहीं सिखाया और वो मैं अभी सिखा भी नहीं रही हूँ, हम उसको कभी किसी लेटर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, मगर वो जो मैकेनिज्म है या तो वो बेस कैटलाइज्ड होता है, बेस एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है या एक एसिड एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि बेस एक्ट कर रहा है, तो बेस क्या कर रहा है, बेस हेल्प कर रहा है इस हाइड्रोजन को यहाँ से टूटने में, और फिर वो हाइड्रोजन जब टूट जाएगा तो वो जाके इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस OH ग्रुप को पहले कंडीशन में जब हमारे पास ये CH3 ग्रुप नहीं लगा हुआ था तो इसके लिए बहुत आसान था कि ये जाके इस हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैक करे और इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दे और वो जाके यहाँ पे जुड़ जाए, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे ये CH3 लगा दिया, राइट, यहाँ पे जब वो CH3 लगा दिया तो ये क्या हो गया, बाजार में भीड़ ज्यादा हो गई। बाजार में जब भीड़ ज्यादा हो गई तो ये जो OH ग्रुप है ये कई बारी इस हाइड्रोजन को मिस भी कर सकता है, इसको दिख नहीं रहा हाइड्रोजन तो इसको इसके पास पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो इसको पहुंचना मुश्किल हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो उसको आसपास लगे हुए ग्रुप्स की वजह से अपना फंक्शन करने में मुश्किल हो रहा है, मुझे अपने फ्रेंड को भीड़ होने की वजह से नोटिस करना बहुत मुश्किल हो गया, मैं उसको नोटिस नहीं कर पाई। समझ में आया स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है। तो इसकी वजह से अब जो हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगाने की वजह से जो स्ट्रक्चर बना, टॉटोमर बना, वो ये बना, ये हमारा इनोल फॉर्म है, राइट, ये इनोल फॉर्म इसका है। और अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जब हम मिथाइल ग्रुप लगा दूंगी तो ये उसका इनोल फॉर्म होगा, तो ये क्या है, अल्फा मिथाइल एसीटोन। और हम देखते हैं एक मिथाइल ग्रुप लगाने से ही जो अमाउंट ऑफ द इनोल फॉर्म है वो कितना कम रह गया,
43.5 to 44.5%, जबकि ये था 91 to 93%। तो ये रोल है स्टीरिक हिंड्रेंस का, जो कि ग्रुप्स इसके आसपास लगे हुए हैं जहां से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, वो उसकी रिमूवल में मुश्किल डाल रहे हैं, राइट। सो अल्फा मिथाइल एसीटोन इज डीस्टेबलाइज्ड बाय स्टीरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ज्यादा डिटेल स्टडी, आप सबके कंसेप्ट और अभी और स्ट्रॉन्ग होंगे, डू नॉट वरी, बट एटलीस्ट आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल रहा है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कुछ सीखने वाले हो यहाँ पे। सो नेक्स्ट, अब हम क्या पहुंचते हैं नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट जो है उसकी पोलैरिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है इनोल फॉर्म के कंटेंट को डिसाइड करने में, ठीक है। तो जो हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है हमारा जो आज के डिस्कशन का है, बहुत कुछ हमने इस लेक्चर में सीखा है, और इसमें अब जो सॉल्वेंट है उसके नेचर में क्या हम डिस्कस करें, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो अगर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट हो जिसके अंदर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, जैसे कि वाटर है, एसीटोन है, मीथानोल है, एसिटिक एसिड है, उन सब में क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच्ड है, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब ऐसा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या करेगा, वेल वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है विद द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कीटोफॉर्म। इसलिए क्या होगा, जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप कर लेगा तो इनोल कंटेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। जबकि अगर हमारे पास एक एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो वहां पे क्या होगा, इनोल फॉर्म के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसकी वजह से इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होगी, राइट। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या था, अगेन पेंटेन 1,2,4-diol, तो ये हमारा 1,3-diketone था, और इसकी अगर हमने इनोल फॉर्म ड्रॉ किया तो ये अगर इथानोल में है तो ये 76% आएगा, और अगर हम इसको हेक्सेन में ले लेंगे तो 92% आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोजिटली हमारे पास C2H5OH है, राइट। तो ये OH और ये C2H5, ये इथानोल है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। तो इस कीटोन को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्वेंट मिल गया, ठीक है। अब इसको कम जरूरत है इस में कन्वर्ट करने के लिए, इसके पास दो ऑप्शंस है, ये भी एक ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है कि ये इनोल फॉर्म कर ले और इनोल फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए और ये ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज बन रही इनोल की वो कम है, जबकि अगर हमारे पास सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, सिर्फ यहाँ पे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो सारे का सारा ये किस पे कन्वर्ट हो रहा है, 92% इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब हमने यहाँ पे आज इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा है, हमने सीखा कि कैसे हम एक इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी या उसके अमाउंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट है, कैसे स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट करता है, तो बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, मगर अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। So, इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश हुआ। आई होप आप सबको अच्छा लगा, आपने सब कुछ समझा, एंजॉय किया, नए नए कंसेप्ट आज सीखे, और इसके साथ इनफैक्ट हमारी आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिस्कशन भी फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शुरू करेंगे, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, कोई भी आप लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा प्लीज, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ लिंक्ड रहेगा, ठीक है। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़ाई करो, बाय बाय।